तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल द ईगल फैमिली पे। तो हमारे साथ शिव भाई हैं। तो आज ईद है तो हम थोड़ा घूमने निकले थे। और हाँ गाइस, मतलब जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें मैं नहीं था, आप लोग बहुत मिस कर रहे थे। बहुत बंदों ने कमेंट किया कि बिंदु भाई कहाँ हो। तो यार मुझे थोड़ा काम था तो शिव भाई ने वो वीडियो बनाई थी। मतलब उस वीडियो में ऐसा, वीडियो तो बढ़िया थी पर उस वीडियो का ना मतलब जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत बेकार था। तो उस वीडियो के चक्कर में मैं और शुएब बात कर रहे थे। तो मैं व्यू क्या यार, रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ अच्छा था। तो मैंने कहा यार थोड़ा पब्लिक को समझाना पड़ेगा दोबारा। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं वीडियो बनाऊं तभी रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि ये भी अपने टीम मेट हैं, ये और संजय अपना टीम मेट है। तो इन दो मतलब जैसे मुझे कहीं काम होता है तो ये या संजय कोई भी वीडियो बनाएगा तो यार मतलब एडजस्ट करो ना, ये भी अपने टीम वाले बंदे ही हैं। चैनल तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फेस नहीं आ रहा कोई नहीं, अगले दिन आऊँगा। कुछ काम होता है आप लोगों को भी पता है, कुछ काम होता है अर्जेंट तो उसकी वजह से फिर दिक्कत हो जाती है। हम लोग बस इस चीज़ के लिए बना रहे हैं वीडियो। अगर देखो ये कभी बाहर गया फिर अगर उस दिन फिर मिस ना हो यार आप लोग के लिए ना, आप लोग को लगेगा यार वीडियो ही नहीं है, तो इसलिए हम ना वीडियो डालते हैं। तो वो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए तभी जाके फिर हम संजय तब जाके बना पाएंगे। नहीं तो मतलब यार तभी कुछ बढ़िया लगता है, जब रिस्पॉन्स बढ़िया आता है ना तभी हम लोग भी सोचते हैं कि पब्लिक खुश है तो हम भी अच्छे अच्छे कंटेंट में वीडियो बनाएं। तो आप लोगों ने मतलब इतना बेकार रिस्पांस दिया था तो उस वजह से यार दिमाग ख़राब हो गया, क्या बोलना अब। तो अपन लोग आज निकले हैं थोड़ा घूमने ईद के उससे, तो घूमने जा रहे थे तो पंकज का फ़ोन आया था, उसका डीजे लगा है कहीं कानिया साइड, तो वहीं जा रहे थे उससे मिलने। तो चलते हैं फिर निकलते हैं बाइक से, तो मिलते हैं बाइक पे। और हमारा सेटअप वेटअप है नहीं तो हम फोन से शूट कर रहे हैं, तो जल्दबाजी में सेटअप लाना भूल गए थे तो कुछ गोप्रो में दिक्कत नहीं था भाई आज, मतलब इस टाइम वीडियो बनाने तो गोप्रो में दिक्कत हो गई थी। आप लोगों को पहले बता था पिन टूट गई थी उसकी, तो पिन वो दे रखी है वो ऑनलाइन आएगी, तो मैंने इस बार 3-4 पिन मंगा ली तो बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो आज ऐसी एडजस्ट कर लो फिर बाकी देखते हैं। गाइस अपन लोग निकल चुके हैं, मैं शुएब और जा रहे हैं थोड़ा पंकज के पास। तो मैं वही बोल रहा था पार्टी वार्टी का सीन है, तो शुएब बोल रहा है ठीक है। मैंने कहा शुएब का खर्चा कराओ दबके जितना हो सकता है, क्योंकि आज शुएब की ईद है। तो आज ईद सेलिब्रेशन तो शुएब ने कर लिया, पर हमने कहा कि हमारी शादी भी होगा ईद सेलिब्रेशन। तो संजय तो अपना काम पे गया, फिर मैं पवन से बोला, पवन भी कह रहा है यार मेहमान आ रखे हैं तो उस वजह से बनना, क्योंकि हम जब भी निकलते हैं तो साथ में ही निकलते हैं ऐसे मतलब सेलिब्रेशन वीडियो पे। तो आज हम तीनों ही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आज तीनों ही रौला बन जाएंगे। थोड़ा मतलब शाम का समय हो गया था, दिन में टाइम नहीं मिल पाया था ब्लॉगिंग का, उसी चक्कर में दिमाग ख़राब हो रहा था। जो इससे पहले वाली वीडियो डाली थी आप लोगों को बताया मैंने, तो बस वही सीन शॉर्ट था। अब देखते हैं क्या होता है आगे, पंकज बोल रहा था बाकी आ जाओ। और हाँ गाइस एक और बात बतानी है आपको, जो ई वो क्या कहता है वुल्फ गैंग का बॉस था अली भाई, तो वो अपने अब मतलब दोस्त बन गए हैं। तो उनसे मतलब एक दो दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो उनका नाम सरताज अली है, तो मिले थे वो हमें। तो मैं सोच रहा हूँ वो बोल रहे थे कि मतलब आने वाले ब्लॉग में मतलब काफ़ी जल्दी मैं मतलब ब्लॉगिंग में आऊँगा तुम्हारे साथ, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि फिर यार वो भी कुछ महीने बाद बाहर जाने वाले हैं, कुवैत जाने वाले हैं शायद वो। तो बोल रहे थे यार बिंदु भाई तुम्हारे साथ एक आधा ब्लॉग बनाना है, तो मतलब वैसे नेचर का तो बहुत अच्छा बंदा है, वैसे लड़ाई वड़ाई में यार एकदम से कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर उससे बैठ के बात बात हुई थी, हमने पार्टी वार्टी करी थी वहाँ, तो काफ़ी बढ़िया बंदा है। अब देखते हैं यार कब तक सीन मिलता है उसके साथ वीडियो बनाने का। अब पहुंचने वाले इधर कहीं बताया था तो फ़ोन उठाने का था डीजे पे हुआ हो, अब यही दिक्कत होती है। अब फ़ोन कर रहा हूँ बार बार बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, देखते हैं। अब जहाँ तक उसने बताया थोड़ा बहुत समझ में तो आया, अब देखते हैं चलते हैं फिर। चलो अब सॉरी यार, सॉरी भैया। अब यार कार भी आ रही है क्या? कार वाले को जानते हो भाई साहब, तुम जाओ। अबे इंडिकेटर नहीं दिया, भूल गया। भूल तो आ रही है फिर वो बताए लोकेशन कहाँ है। अब कहानियाँ नहीं है यार, कहानियाँ नहीं जा रहा है साले ने कहाँ का बुला रखा है। भाई ओए साइड तो हो जा,
अबे तू किया क्या? अबे भाई साइड होके चलना, पीछे तो हॉर्न दे नहीं रहा क्या? ये साइड थी और क्या है? तुम हमारे पीछे सारे गाड़ी लेंगे। अबे यार तो तुम साइड पे चलोगे या, अबे तुम यहाँ पे चल लो। अबे तो भाई तुम, अरे भाई मैं अबे एक तो मैंने कान में हेडफोन लगा रखे हैं, तो आवाज भी आई पीछे हॉर्न दिया मैंने। और क्या है? अरे तो इतना रोड है ना, और क्या वहां से क्या जरूरत है यार? अबे तो हॉर्न तो मारूंगा यार, रोड पे चल रहे हो तुम, यहाँ साइड पे चलो ना। हेड में चल रहे हैं और कहाँ चल भाई, तुम ऐसे ऐसे टूलते टूलते चल रहे हो बैंकर रोड पे, जैसे सरा सरा वरा आप पे रखी है क्या? तो तुम ऐसे टेढ़े मेढ़े को चल रहे थे, गाने लगा रहे थे, गाने सुनने से सुना नहीं दिया, दारू दूर पे रखे तुमने, तुमने भी नहीं। तो तुम ऐसे क्यों चल रहे थे टेढ़ा मेढ़ा वो बीच रोड में? मैं तब से भाई पीछे से हॉर्न मारता हुआ आ रहा हूँ। गाने सुन रहे हम। अबे तो भाई ये तेरी रोड है? मेरी रोड है, बता क्या करेगा। अबे यार अबे तो साइड नहीं देगा क्या भाई? तो अपनी साइड में चल रहा है, इतनी दिखा नहीं दे। अबे तो ये, अबे ये कौन सी साइड है तेरी? ये बीच में वहाँ से निकाल लेता वो देख, वहाँ तेरा वो रोड है उधर। और क्या, उधर मंदिर में दिख रहा है, हम लोग वहाँ पे वहाँ को निकल, वहाँ पे मंदिर नहीं है तो रोड ही है। अबे यार तो तेरे ऊपर चढ़ा के लेके जाएंगे, तेरे ऊपर सुनने ले जाएंगे भाई। तो रोक लेता कान में एयरपोर्ट, वो मैं को लड़ाई करने के उसको ढूंढना, मैं ये बोल रहा हूँ साइड में चलो। लड़ाई कर रही बोल रहे। अबे यार क्या है इनका सीन तो भाई, देख देख रही है उसको बंदे को, यहाँ पे चल रहा है यहाँ पे, मैं कहाँ से बाइक निकालूंगा? अबे देख भाई बात सुन 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 सुन, हेडफोन लगा के तू चल रहा है, नहीं आता चल रहा क्या? तो चल क्यों रहा है? घर पे जाना, घर पे लेट जा, तू जा घर पे, बाहर के निकल ले फिर, गाड़ी खड़ी करते जा घर पे जा। क्यों कर दे, नहीं कर रहा मैं तो भाई कहीं भी जा, बात ही नहीं हुई है मेरे भाई, ये तो लड़ाई की तो बात ही नहीं हुई है। तो तुम, मैं ये बस इतना बोल रहा हूँ कि तमीज से चलो, तमीज से चलो, यहाँ पे चल रहे हो तुम यहाँ पे। अबे यार भाई मैं वहाँ छुप जाता, तुम्हें पता है मैं तेज आ रहा था। ऐसा नहीं होता ठीक है, तुम साइड में चलो अपनी जगह। अच्छा गलत जगह पे चल रहे हो, अब चले जा तू, खाली दिमाग खराब मत कर। दिख रहा है एक ही में सुला दूंगा। अबे क्या बोल रहा है? और सही बोल रहा है वो। अबे साले एक थप्पड़ गया, तेरे को दिखा रहा है क्या करेगा? माल लेगा अरे, माल ले ले, थप्पड़ क्यों दिखा रहा तू? जा चले जा यहाँ से, चले जा यहाँ से, पिटेगा तू, चले जा मत जा बे, हैं यहीं यहीं खड़े रहो, तो जा चले, हाँ तो जाना तो। अबे यार रहने दे, तो जा फिर, जा चल जा भाई, जा से निकल ले यार, तू साइड में रह के इधर आ ना भाई, ऐसा कान पे मत लगाइयो, आइंदा आइंदा मिल गया फिर। अबे यार चला जा, अबे भयंकर आ जा कान से, तो जल्दी चल भयंकर, तू चूतियों के चक्कर में लग गई। चूतियों के चक्कर में क्या भयंकर, वो तो मुझे भयंकर शराब ही लग रही है। चल सीधा चल यार जल्दी। अबे यहाँ से नहीं जाना भाई, नन्ही का गांव है साले, वो कर देंगे आगे चलना है, इनका गांव है तो ये कौन सा हमें पकड़ रहे हैं। अभी इधर से निकल, पहुँच गए हैं फाइनली। अबे हाँ कौन सी लोकेशन पे बुला लिया गांव में, देख रहे हैं। चलो बाबा फ्लैश लाइट चलानी पड़ रही है, अंधेरा हो गया, पंखे पंकज भाई पर्दे के पीछे छुप गए। या बाबा भाई से ठीक है, और बताओ ऊपर चढ़ जाओ, चला चलाते वलाते कैसे हैं हमें भी सिखा दो। सो ये है डीजे सेटअप, इनका लैपटॉप सिखा देंगे, और डीजे इनका एक ऐप है, एक ये वाला ऐप होता डीजे वाला, अबे चलाओ जरा इसको, पंकज भाई ने पैसे झाप रखे हैं। ओ भाई साहब टिप आई भी क्या? सही है यार, उतनी ज्यादा खास नहीं मिलती यार, छोटा छोटा सा गांव है ये है। डीजे सेटअप पार्टी वार्टी का, नाइट की पार्टी है, नाइट तो तुम भी तो करा रहे हो, फिर पार्टी वार्टी आज सोहेब भाई का ईद है, आज महंगा पार्टी वार्टी करा देंगे, सोहेब भाई कराएंगे, हम करेंगे मैं कराऊंगा यार, पैसे तो भाई छाप रहे हैं, आज सोहेब कराएगा, आज तो सोहेब करा, आज सोहेब, हाँ तो ये मेन मैं ही तो करा रहा हूँ सारा अरेंजमेंट, तो हमारा ही है सारा अरेंजमेंट से बात। ये है सेटअप डीजे का, चार इन्होंने, चलो फिर गाइस ये हमारा आज का दिन था, थोड़ा सा बैठ गया,
क्या ही बोले वहाँ के लोग, मतलब फिर पंकज भाई मिल गए थे तो थोड़ा सही हो गया था पंकज भाई के साथ। पंकज भाई ने अपना सेटअप दिखा दिया तो मैं सोच रहा हूँ इधर मतलब बजाने का मन कर रहा है, तो अब देखते हैं मतलब क्या होता है। पंकज भाई बोल रहे हैं अभी थोड़ा रुक के अभी लाइटें वाइटें लगाएंगे, मतलब एकदम रॉकिंग होने वाला है। सही है, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ गए, जो मैंने आपसे बात बोली थी ना कि मतलब शुएब या संजय कोई भी व्लॉग बनाएगा तो रिव्यू अच्छे देना उसके, तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बोलूँगा।